अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम FSC पार्ट 1 की एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो टैन इनवर्स के फंक्शन हैं जिनको हमने ऐड करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है जिसको हमने ऐड करना है। अब इस पर कौन सा फार्मूला यूज होगा? टैन इनवर्स का फार्मूला हमारे पास मौजूद है जिसमें दो टैन इनवर्स के फंक्शंस दिए गए हों तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये मौजूद है कि जब टैन इनवर्स के दो फंक्शन दिए गए हों ए और बी के साथ तो हम यहाँ पर ए प्लस बी करते हैं और नीचे 1 - ab करते हैं। इसके बाद ए की जगह हमारे पास 1/4 है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। बी की जगह 1/5 है, वो यहाँ पुट कर दिया। -1 - a की जगह 1/4 है और b की जगह 1/5 है। इसको पुट करने के बाद हम जस्ट ये करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। जब ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया तो हमारे पास यहाँ पर 5 + 4 नीचे 20 आ गया, जबकि यहाँ इस वैल्यू के लिए हमने 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया था तो 20 आ गया, और ऊपर दोनों वैल्यूज में 1 था तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आ गया। तो अब नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे? तो 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, -1 आ गया। तो 20 - 1 करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बन गई है वो 9/20 और 19/20 बन गया है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है डबल फ्रैक्शन में, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये 20 इस 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो 9/19 होगा। ये टैन इनवर्स 9/19 बना है हमारे पास, जो कि राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह से हमने फार्मूला यूज करते हुए टैन इनवर्स यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इन दोनों वैल्यू को यूज करते हुए ऐड करते हुए हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 tan inverse 2.3 = sin inverse 12/13 है। तो अगर यहाँ पर इसकी बात करें हम लोग, यहाँ पर इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। तो 2 tan inverse 2/3 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने जो फार्मूला यूज करना यहाँ पर वो कुछ यूं है कि 2 tan inverse of a बराबर होता है tan inverse = 2a/1 - a² करना। ये वो फार्मूला है जिसे हमें यूज करते हुए अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ए क्या है यहाँ पर? ए हमारे पास गिवन है 2/3। अब जब हम इसे पुट करेंगे तो हमें वाजे हो जाएगा कि ये हमने किस तरह से हल। तो स्टूडेंट्स, ए की जगह पर हम लोग 2/3 पुट करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर हमारे पास, जबकि यहाँ नीचे भी ए की जगह 2/3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी। जबकि इस वैल्यू के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पहले इसका स्केयर ओपन करेंगे और देन फिर हम इनका एलसीएम लेंगे। जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो 2 2s are 4/3, 3s are 9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास 4/3 और जो है वो हमारे पास 4/9, 1 - 4/9 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ यूं आ जाएगा हमारे पास, 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, 9 - 4 आ जाएगी, ऊपर वैल्यू सेम ही रहेगी। इसके बाद हम देखेंगे अगले स्टेप में 4/3 है वो वैसे ही आ गया, 9 - 4 जो है वो माइनस होने के बाद 5/9 बनकर नीचे आ गया। हम ये बात जानते हैं कि ये है हमारे पास डबल फ्रैक्शन। जब डबल फ्रैक्शन होती है तो हमारे पास जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने का तरीका ये होता है कि हमारे पास ऊपर जाके ये इनवर्स हो जाती है। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ये 9 नीचे था यहाँ पर ये ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 9 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। 3 1 is 3, 3 3s are 9। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ से 3 1 और 3 3s are 9, इसकी जगह 3 आ गया। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 5 1 को करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्यों हमारे पास वैल्यू निकल कर सामने आ जाएगी। अब हमें चाहिए क्या? यहाँ हमारे पास टैन इनवर्स आ रहा है, जबकि हमने जो वहां पर क्वेश्चन में देखा था वो साइन इनवर्स की वैल्यू। इसको साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो सकता है, बट हम इस कोशिश करते हैं। इसको पहले एक्स के इक्वल लेट करेंगे यहाँ पर। तो हमने इसको x के इक्वल लेट करने के बाद क्या किया कि ये जो tan इनवर्स है, इस tan इनवर्स को यहाँ से उठाया और दूसरी तरफ ले गए, तो tan ऑफ x इक्वल 12/5 हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम एक और बात यहाँ पर जानते हैं फार्मूलाज के मुताबिक कि जो tan ऑफ x होता है वो cot ऑफ x के इनवर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि tan ऑफ x की जो वैल्यू होगी, cot ऑफ x के लिए जब वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू इनवर्स हो जाएगी, उलट हो जाएगी। तो 12/5 था तो यहाँ पर 5/12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने cot ऑफ x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि cot ऑफ x से sin की वैल्यू निकालनी आसान थी। और तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, यानी हम
पहले यहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकाले, सीकेंट से कॉस की निकाले और फिर वहां से साइन की निकाले, तो ये ज्यादा लेंथी हो जाना था। इस वजह से मैंने इसे यूं किया कि टैन को डायरेक्ट कॉट ऑफ एक्स में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ से हम इसे कॉसिकेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक बात इस फार्मूले को जानते हैं कि कॉसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। ये बेसिक फार्मूला है जो हम मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कुछ यू वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस कॉट ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें यहाँ हमने इसको लेट किया हुआ है, हमने यहाँ से इसको निकाला हुआ है। इस वैल्यू को अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो हमने यहाँ से ये वैल्यू कॉट ऑफ एक्स की 5 और 12 जो हमने फाइंड आउट की हुई है यहाँ से, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लाकर हमने इसको पुट किया तो 5 और 12 आ गई, कॉट की जगह 5 और 12 आ गया। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 25 आ जाएगा, ये 144 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर +25 हो जाएगा, जब इनको प्लस करें तो ये 169 के इक्वल आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लो तो कैलकुलेटर से हम इसका सिंपली कर लेंगे तो 13 और 12 आ जाए, ये कॉसिकेंट ऑफ एक्स आ गया, जबकि हमें चाहिए थी साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें इस बात का भी पता है कि कॉसिकेंट ऑफ एक्स जो है वो साइन के इनवर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू होगी जब हम उसी से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो उलट लिख देंगे, 12 और 13 लिख देंगे। साइन ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 12 और 13 आ गई, यहां से हम एक्स इधर ही रहने देंगे और साइन को उधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगी, ये यहां पर आकर साइन इनवर्स 12 और 13 हो जाएगी। और असल में यही वो वैल्यू थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरह से हमने 2 टैन इनवर्स 2 और 3 को साइन इनवर्स 12 और 13 के इक्वल प्रूव कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।